जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रसवला में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर इन समय में गलती से भी कोई पूजा अर्चना का सामान स्पर्श हो जाए तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। इस तरह के पापों से मुक्ति पाने के लिए और अनेक प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने से खासकर मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। यह सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए इस दिन जो कि सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों में इस दिन जो कि काश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, यमदग्नि और वशिष्ठ, इन सप्त ऋषियों की जो कि पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि मध्याह्न काल के समय में सप्त ऋषियों की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए और साथ में जो कि अरुंधति माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके गंगा नदी में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता का कुल देवता का पूजन करना चाहिए और मध्याह्न काल के समय में वेदी बना करके उसे गोबर से लीप करके अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बना करके उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी स्थान पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की मूर्ति बनाकर या उसके जगह पर आप कुशा का भी प्रयोग करके उनका स्वरूप मान करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि से पूजा करके नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जो कि बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शाक आदि का आहार करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अगर आप विशेष प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में पूजन समय पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। अगर आप ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में शीताश्व नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन आप मुझसे करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उत्तंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में दो संतान थी, एक पुत्र और एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण दंपति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने अपने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर पति से सब बातें कही और पूछा कि हे देव, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि लगाकर इस घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बतलाया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी स्वयं व्रत को नहीं किया।
इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि रस वाला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृह घातनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है, फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और वह व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख को भोगा। दूसरी कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रसवला हो गई। उसको रसवला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष को वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख प्यास से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास गई और बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से उनके न खाने योग्य कर दिया था, इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज भी बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा, मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी। मुझे इस प्रकार का कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए।
इसलिए जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाती है। तो बोलिए सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं, साथ में अरुंधति माता की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।